इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हम हर रोज एक रिपोर्ट लेकर आते हैं ताकि लोगों के सामने सच्चाई पेश की जाए। आज हम जो है मीडिया के प्रोपोगंडे को लेकर हम आपके सामने आए हैं। कोरोना से तो हम जंग जीत जाएंगे, पर जिस तरह से एक झूठा प्रोपोगंडा बनाकर लोगों के आवाम के जहनों के अंदर जिस तरह का वायरस मीडिया के जरिए से छोड़ा जा रहा है, हम इस जंग को कैसे जीत पाएंगे? हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया आलमी वबा से लड़ने की पुरजोर कोशिश कर रही है, पर भारत में तस्वीर अलग ही नजर आ रही है। यहाँ तो कोरोना के आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाने की जंग लड़ी जा रही। अब कुछ ऐसे सपोले निकल कर आए हैं और यह कहने से भी डर नहीं रहे कि भारत में आने वाले 10 सालों के लिए चुनाव ही न लड़ा जाए और देश के लिए देशभक्ति जाहिर करने के लिए मोदी को ही 10 साल तक प्रधानमंत्री रखा जाए। यानी कि किस तरह से एक राजनीतिक फायदा हासिल करने की कोशिश इन फिरका परस्तों की जानिब से की जा रही है। कोरोना की जंग इस तरह से हिंदू मुस्लिम करके हम जीत नहीं सकेंगे। खासकर इस नफरत को उत्तर भारत में ज्यादा देखा जा रहा है, यहाँ तक के कोरोना मरीजों की तस्वीरों को सरे बाजार लगाया जा रहा है और खास समाज के लोगों को निशाना बनाने की बात कही जा रही है। समझ में यह भी नहीं आता कि आखिर नफरत के सौदागरों से सवाल क्यों नहीं पूछे जाते। आखिर जो लोग नफरत फैला रहे हैं, खास समाज को निशाना बनाया जा रहा है, सभी की खामोश हिमायत है, फिर चाहे वजीर आला ही क्यों ना हो। लोग घरों में बंद है, लॉकडाउन जारी है और घरों में टीवी पर मुस्लिम समाज को लेकर नफरत का बाजार लगाया गया है। प्रोपोगंडा जंग का असर भी दिखना शुरू हुआ है। मीडिया अपने मकसद में कामयाब होती दिखाई दे रही है। दिलशाद नाम के लड़के को तबलीगी जमाती कहकर सेहतमंद दिलशाद को जहनी बीमार के लोगों ने पीटा, तो गोकाक के करीब गांव में मस्जिद में घुसकर इमाम और मुअज्जिन को बेरहमी से पीटा गया। होसुर हुक्केरी में लाइट्स क्यों जलाए, जबकि प्रधानमंत्री ने तो लाइट्स को बंद कर मोमबत्ती जलाने के लिए कहा था, यह कहते हुए बेरहमी से मस्जिद के इमाम पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। बागलकोट में नदी के किनारे बैठकर मछलियां पकड़ने वाले मुसलमानों को किस कदर पीटा गया और साथ में दो गैर मुस्लिम थे, उन्हें गांव वालों ने छोड़ दिया। यह वीडियो तो पूरे मुल्क में वायरल हो गया। बेलगाम जिला और अतराफ में भी कई सारे वाकयात की इत्तला हासिल हो रही है। खैर, इन तमाम अपराधों पर मुकदमे तो दर्ज हुए, पर मीडिया मुसलसल एक समाज के बारे में अपना एजेंडा चला रही है। सुदर्शन जैसे न्यूज चैनल तो बेखौफ मुस्लिम समाज को कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और इनसे नफरत का भी पैगाम देते हैं और समाज इंतजामिया हुकूमत खामोशी इख्तियार करते रहते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में सुदर्शन चैनल के न्यूज एंकर सुरेश चौहान के एक फिरका पर सोच से मुतासिर है, हमेशा मुसलमानों का खिलाफ जहर उगलता रहता है, आजकल तो सिर्फ कोरोना जिहाद के नाम से प्रोग्राम चलाए जा रहे। वाजा रहे कि यही सुरेश चौहान के है जिस पर असमत रिजी के चार्जेस ऐड किए गए थे। सवाल तो यह भी उठता है कि आखिर ऐसे न्यूज एंकरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जिससे देश की एकता अखंडता को, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता रहता है। अब जब ऐसे न्यूज एंकरों की वजह से और झूठे प्रोपोगंडे की वजह से एक समाज को निशाना बनाने का काम जारी है, तो आखिर मरकजी हुकूमत यह क्यों तय नहीं करती कि देश को किससे लड़ना है? क्या कोरोना से लड़ना है या सांप्रदायिक ताकतों से, जो जहर इन टीवी चैनलों में जहनों में उतार दिया है, अब वो असर भी करना शुरू कर दिया है। किसी मखसूस समाज के लोगों को ठेले लगाने नहीं दिया जा रहा, अब तो मखसूस झंडा लगाने वालों को ही किसी गली मोहल्ले में जाने की इजाजत दी जा रही है। और यह कहा भी जा रहा है कि तबलीगी जमात की तरह नजर आने वालों से कोई चीज ना खरीदे। अब इस मुश्किल दौर में पूरे देश की जिम्मेदारी है कि ऐसे अनासिर को समझाए। खासकर मेरी ये गुजारिश है कि हिंदू भाइयों की जिम्मेदारी है कि इस तरह का जो प्रोपोगंडा चलाने वाले हैं उनको खुद समझाए और बताए कि ऐसे मुश्किल वक्त में जब देश की मईशत पूरी तरह से चरमरा गई हो, हिंदू मुस्लिम का खतरनाक खेल न करे। यह तमाम मामलों से यह जाहिर हो चुका है कि मीडिया ने मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ रखी और मखसूस माशरे की लिंचिंग के लिए एक काफिला तैयार किया जा रहा है। यह भी बड़ा अजीब लगता है कि कुछ लोगों ने मौलाना साद की तस्वीर को डीपी लगाने की वजह से कुछ फिरका परस्ते ने ऐतराज किया, तो इस पर भी यूपी पुलिस मुकदमे दर्ज करती है। जिनके जहनों में कोरोना से भी खतरनाक वायरस पनप रहा हो, भला कोरोना इनका क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि महामारी से भी बढ़कर सांप्रदायिकता का वायरस
ज्यादा खतरनाक होता है। पूरी दुनिया में कोरोना एक महामारी है जो इंसान के फेफड़ों को खत्म कर देती है, लेकिन भारत में इस बीमारी ने लोगों के दिमागों को मुतासिर किया है। हालांकि ये लोग पहले से ही फिरका परस्ती के वायरस से मुतासिर थे, लेकिन कोरोना के नाम पर फैला गया इस्लाम फोबिया ने इन्हें और ज्यादा मुतासिर कर दिया है। कोरोना फैलने के डर से मुसलमानों को निशाना बनाने वाले लोग तो खुद बीमार हैं। क्या ये लोग माशरे की फलाह बहबूदी के लिए काम कर सकते हैं? यह सब मीडिया के जरिए मुसलमानों के खिलाफ छेड़े गए प्रोपोगंडे का नतीजा है। जंग सिर्फ सरहदों पर या मैदान में ही नहीं लड़े जाते, बल्कि जहनों में भी लड़े जाते हैं। भारत के मीडिया ने इस्लामफोबिया के बहाने एक ऐसे बहुत बड़े तबके को जहनी बीमार बना दिया है, जो किसी भी सूरत में देश में आने वाली हर मुश्किलों मुसीबत आपदा का टीकरा मुसलमानों के सर पर फोड़ने के लिए उतावला रहता है। मीडिया लगातार फर्जी खबरें चलाकर मुसलमानों को बदनाम करने और उनके खिलाफ अस्करियत यानी जंगबंदी में लगा हुआ है। पुलिस इन फर्जी खबरों को खारिज तो करती रहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। फर्जी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होनी शुरू हो जाती हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इन खबरों को आवाम के हर फर्द तक पहुंचा दिया जाता है। जैसे पहले कहा गया कि जमातियों ने डॉक्टरों की टीम पर थूका, लेकिन जैसे ही यह खबर फर्जी साबित हुई, इसके बाद एक और शगुफा छोड़ा गया कि जमात के लोग अस्पताल में नंगे घूम रहे थे। अब यह भी खबर झूठी निकली। ऑल्ट न्यूज ने फैक्ट चेक किया। इस तरह से अभी तक जमात के खिलाफ लाई गई एक भी खबर सच साबित नहीं हुई है। बावजूद इसके भारतीय मीडिया ने मुसलमानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर 5,000 कोरोना मुतासिर मरीज हैं, उसमें से 1,500 जमात के हैं, तो फिर वो 3,500 कौन लोग हैं? वो किस जमात से ताल्लुक रखते हैं? कोई भी मुसलमान इस नफरत का शिकार हो सकता है, फिर चाहे वह जावेद हो या भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान हो। हाल ही में इरफान पठान ने उन कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स फेसबुक पर पोस्ट किए जिनमें उनकी मजहबी पहचान को निशाना बनाकर उन्हें भद्दी गालियां दी गई। इन गालियों पर इरफान पठान का दर्द छलकता है। उन्होंने लिखा है कि मैंने आलमी तौर पर भारत की नुमाइंदगी की है, जब मेरे साथ यह हो रहा है तो आम इंसान के साथ कैसा सलूक होता होगा? यहाँ से मीडिया में बैठे जहनी दहशतगर्द, वाज़ह रहे कि मैं इसे जहनी दहशतगर्द कहूँगा कि जहनी दहशतगर्द के मास्टरमाइंड और मुसलमानों से नफरत करने वाले जॉम्बी को कटहरे में खड़ा करके इनसे पूछा जाए कि क्या आप इरफान पठान के सवालों का जवाब दे सकते हैं? क्या इरफान पठान के दर्द को समझ सकते हैं? इस नफरत के लिए मीडिया के आतंकी ही जिम्मेदार हैं, जिनके जरिए फैलाई गई नफरत हर खास व आम मुसलमान को भुगतनी पड़ रही है। यह वक्त देश के लिए और मुसलमानों के लिए बहुत ही भयानक है। आज न कल कोरोना तो हार जाएगा, लेकिन उन नफरतों को कैसे हराया जाएगा जिन्होंने कोरोना के नाम पर लोगों के दिमागों को मुतासिर कर दिया है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।